اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الزلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصن جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا الواصل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار بلند مرتبے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر روایات میں آتا ہے کہ پہلی وحی کے نزول کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ایک خاص کیفیت طاری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے فرمایا مجھے چادر اوڑا دو مجھے چادر اوڑا دو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ہیبت الہی کا غلبہ دور ہوا اور کچھ اطمینان محسوس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غار میں پیش آنے والا واقعہ مکمل بیان کیا جسے سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا
खुदा की कसम, अल्लाह ताला कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबीदा खातिर नहीं फरमाएगा, क्योंकि आप तो रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सलूक करते हैं, दूसरों का बोझ खुद उठाते हैं, खुद कमा कमा कर मुफलिसों और मोहताजों को अता फरमाते हैं, मुसाफिरों की मेहमान नवाजी करते हैं और हक व इंसाफ की खातिर सब की मुसीबतों और मुश्किलात में काम आते हैं। नाज़रीन किराम, दीन इस्लाम दीन अदब है। वो कहते हैं कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, और किसी ने इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बात कही कि अदब से सर किया जाता है राह जज्ब व मस्ती को, और कदम इस रास्ते में पाए पेशानी से रखते हैं। नाज़रीन किराम, दीन इस्लाम ने मुकद्दस किताबों का अदब सिखाया, मलाइका का अदब सिखाया, अंबिया का अदब सिखाया, अहले बैत अथार का अदब सिखाया, सहाबा किराम का अदब सिखाया, अपने औलिया किराम का अदब सिखाया और वालदैन का अदब सिखाया, अपने से बड़ों का अदब सिखाया, अपने से छोटों पे शफ़क़त जो सिखाई। दीन इस्लाम में कदम कर कदम पर इंसानियत की रहनुमाई के लिए रोशन मिसालें मौजूद हैं, तालीमात भी मौजूद हैं। आज नाज़रीन किराम, हम एक ऐसे मौजू की तरफ जा रहे हैं गुफ्तगू करने के लिए, बहुत अफसोस की बात है, पिछले दिनों ये जो पटाखे बनते हैं, ये अगर हम आपको स्क्रीन पे भी प्रोग्राम के दौरान दिखाएंगे, उस पटाखे जो थे वो कुरान हकीम के और आग पुराने जो थे उनमें बनाए जा रहे थे। नाज़रीन किराम, यहाँ अनफॉर्चुनेटली आजकल कुरान हकीम छापने के लिए जिन लोगों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं, वो ये जो अखबारी कागज़ होता है, बोसीदा कागज़ जो होते हैं, बिल्कुल थर्ड क्लास कागज़, उन पे कुरान हकीम छप रहा है, कोई उसको सही तौर पे चेक नहीं कर रहा। जिन फैक्ट्रियों में छपवाई हो रही है या बोसीदा जो औराक जमा होते हैं, उनकी स्याही जो है वो गलत जगहों पे फेंकी जा रही है, उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। कागजात जो हैं कुरान हकीम के पुराने जो कागजात हैं, उनसे डब्बे या अंडे रखने वाली ट्रेन तैयार की जा रही, और न जाने कई किस्म की वीडियो भी हमारे पास मौजूद हैं, वक्त आने पर वो सारी दिखाई जाएंगी। आज मुकद्दस किताबों का अदब, कुरान हकीम ने हमें क्या सिखाया, कुरान हकीम का अदब क्या है बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में, मुकद्दस जो जगह है उनका क्या अदब है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो आपने देखा एक कोई किताब जिस तरह पढ़ी होती है, कुछ औराक पड़े हुए थे, आपने सहाबा किराम से पूछा ये क्या है, अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तौरात है। आपने कहा उस शख्स पे लानत है अल्लाह की जिसने इसको यहाँ पे फेंका हुआ है। आपने फरमाया कि इसको उठाओ, उठा के इसको बुलंद जगह पे रखो। नाज़रीन किराम, इस्लाम ने सिर्फ कुरान हकीम का अदब नहीं सिखाया, तौरात और इंजील का भी अदब सिखाया है, तमाम मुकद्दस किताबों का अदब ये दीन इस्लाम ने सिखाया है। तो ख़ुद कुरान हकीम की जो हमें इज़्ज़त वक़ार अदब उसका करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या तालीमात है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे मुफ्ती सैयद साबर हुसैन साहब, आप दर्जनों किताबों के मुसन्निफ़ हैं और इस्लामी माशियात आपका ख़ास सब्जेक्ट भी है, और वो मुफ्ती हैं और शरिया बोर्ड के भी चेयरमैन हैं। उनके साथ हमारे मुल्क के मुमताज़ स्कॉलर दीनी जो हैं अलामा सलीमुल्लाह अवैसी साहब मेरे साथ हैं, और इनके साथ नौजवान स्कॉलर और बैरिस्टर और बयक़ तालम दीन भी हैं, लॉ के भी वकील हैं बयक़ वक्त साहबजादा सैयद वसीमुल हसन शाह, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, कुरान ने अदब के क्या सलीके और करीने सिखाए? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज का जो उनवान है गुफ्तगू के लिए, ये इंतहाई अहम, हसास और काबिले तवज्जो उनवान है, क्योंकि बहसियत मजमू हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे से वो सारी चीज़ें जिनकी अज़मत और जिनकी इज़्ज़त और तौकीर हम पर लाजिम है, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें हमसे ख़त्म हो रही हैं। तो इस बात की इंतहाई ज़रूरत है कि लोगों की तवज्जो इस अहम मौजू की तरफ जो है दिलाई जाए, ताकि लोगों के दिलों में ना सिर्फ कुरान मजीद बल्कि वो सारी चीज़ें जो अहले ईमान के लिए अहम हैं, उनकी इज़्ज़त और उनकी तौकीर जो है बढ़े। जहाँ तक कुरान मजीद फुरकान हमीद का ताल्लुक है, तो इसकी सबसे बड़ी अजमत तो ये है कि ये रब्बे कायनात का कलाम है, कलाम इलाही है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में
फरमाया गया कि तंजील मिन रब्बिल आलमीन, ये किताब वो किताब है जो तुम्हारे रब की तरफ से, जो आलमीन का रब है उसकी तरफ से नाजिल की गई है, और इसे लाने वाले मुकर्रब फरिश्ते हज़रत जिब्रील हैं। और किन के कल्बे अतहर पर यह किताब नाजिल हुई? वो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। लिहाजा कुरान मजीद फुरकान हमीद के आयात करीमा से हमें पता चलता है कि ये किताब ऐसी अजीमुल मर्तबत किताब है कि इसकी ताज़ीम इस कदर है कि कुरान हमें कहता है कि इस किताब को बग़ैर वज़ू के और बग़ैर तहारत के तुम हाथ भी नहीं लगा सकते। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, सूरतुल वाकिया के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया। तो आप अंदाज़ा करें कि ये कितनी अजीम किताब है कि जिसको हाथ लगाने के लिए और आपको तहारत चाहिए। जिसे छूने के लिए तहारत का होना ज़रूरी है। कि जाके कि इसके लिखे हुए औराक को या इस किताब को जो है माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, जिस तरह के आपने तस्करा किया कि इसके पटाखे बनाए जाए इसके औराक के ज़रिए से, ये इंतहाई अहमकाना जो है रविश है और जहालत पर मबनी यह रविश है। ये तो हम साहबज़ा वसीम से पूछेंगे कि कानूनी तौर पर इसका क्या है। अलामा सलीमुल्लाह साहब, अहादीस मुबारक की रोशनी में मुकद्दस किताबों का अदब और बिलखसूस कुरान हकीम का अदब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अहम और हसास मौजू है, और आपने एक बात बड़ी खूबसूरत कही कि इस्लाम तो है ही दीन अदब। सुभान अल्लाह। और अदब के बग़ैर कोई बात कहीं किसी कामयाबी से या इंसान की निजात से हमकिनार नहीं हो सकती है। कुरान पाक ने ख़ुद एक बड़ा हमें बुनियादी नुक्ता समझाया और रहनुमाई दी। रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमन युअज़्ज़िम शायरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़्वल क़ुलूब। वाह, सुभान। जो अल्लाह की निशानियों का एहतराम करता है ये उसके दिल के तकवा और परहेजगारी की अलामत है। वाह, यानी जिसके दिल में तकवा परहेजगारी होगा वो अदब करेगा। अदब करने वाला जो है असल में मुत्तकी वही है। वाह वाह, सुभान। और तकवा की दलील ये है कि इंसान वो हर वो चीज़ जो शायर अल्लाह के अंदर शामिल है। और कुरान से बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है कि जिसको अल्लाह ने अपनी बुरहान करार दिया है। सुभान अल्लाह। तो जब वो इतना बड़ा मुकाम और इतना बड़ा हवाला, मैं जब इस मौजू पर कुछ मुताला कर रहा था तो उलूम कुरान पर एक बड़ा हमारे पास बड़ा मुस्तरद ज़खीरा है इमाम जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह अलैह का, अल-इत्तिकान फ़ी उलूमिल कुरान। उसमें उन्होंने हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हवाला दिया है कि वो कुरान पाक को बोसा दिया करते थे और तज़ीम किया करते थे। सुभान अल्लाह। और दलील कहाँ से लाते थे? दलील लाते थे हजरे अस्वद को बोसा देने से। सुभान। यानी वो इस बात को बुनियाद बनाते थे। और देखें सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला का ये फरमाना कि मैं इस वजह से बोसा दे रहा हूँ कि आका के लब लगे हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने ये खुद सहाबा को तरबियत दी और तलकीन दी। और चूँकि ये एक बड़ा नुमाया हवाला था वो मकामात मुकद्दसा और वो, तो जाकर उनसे लिपटना, बोसे देना, उनकी ताज़ीम करना, तो ये सहाबा को तरबियत दी। सुभान अल्लाह। कि ये जो चीज़ें हैं इनका एहतराम और अदब जो है यही दीन की रूह है और सल स्पिरट है। सैयद वसीमुल हसन, हमारी हालत ये है कि हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालान पाक की हिफाजत नहीं कर सके। और हमारे यहाँ शायद हुकूमतों का तसव्वुर ये है कि हिफाजत करने के लिए वो पैसा जो हम लूटते हैं वो उसको महफूज करना चाहिए, लंदन के, अमेरिका के, स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में महफूज करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नालान पाक चोरी हुआ पाकिस्तान में लाहौर से, अभी तक कुछ नहीं किया गया। और बल्कि जिन पर इल्ज़ाम है कहते हैं उनको बड़े बड़े अहदे मरतबे दी, गवर्नमेंट नवाज दी। तो अब ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस तरफ तवज्जो ही नहीं है, पटाखे बन रहे हैं। कुरान हकीम जिस तरह छाप रहा है कागज़ों पे और गलत और अजीब व गरीब होता है, वो रमज़ान में तो ख़ास तौर पे आपने देखा गांव में लोग जाते हैं और वो कहते हैं थोड़ी सी कनक दें जी, कुरान शरीफ के नुस्खे आए हैं ले लें सवाब के लिए। और जिस कागज़ पे वो प्रिंट हो रहा है देख के दुख होता है, दिल खून के आंसू होता है। बिल्कुल, ये बताएं ज़रा इस पे कानूनी पोजीशन भी और दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यकीनन ये एक लम्हा फिक्रिया है, बिलखसूस क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए और बिलअमूम तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए
کہ قرآن کی حفاظت کسی ایک شخص یا فرد یا ایک حکومت کرنی یہ مسلم امہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تقدس اور احترام کے لیے کام کرے۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ میں نے پہلے بھی اس طرح کی شکایات آتی تھی اور مطلب میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اگر ٹیری جونز وہاں پہ اگر کوئی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ آئی ایم گونا برن دا قرآن تو پوری مسلم امہ جذبات میں آ جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے اور نہ کوئی شخص بولتا ہے، نہ کوئی ادارہ بولتا ہے، نہ جو نام نہاد جو ہمارے ایسے لوگ جو اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہ حکومت ہی کوئی اس کے جو ہے نا وہ اس کے لیے کچھ کام کرتی ہے، کوئی ریئیکشن لیتی ہے۔ میں سب سے پہلے تو اس حوالے سے قرآن کریم کی جب حضرت علامہ صاحب ویسی صاحب نے مجھے ابھی جب کوٹ کیا تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے خود معجزے کو طلب کیا اور اللہ نے پہاڑ میں سے، اٹس ویری لانگ یو نو اسٹوری ان قرآن، ٹرو اسٹوری، اس میں جب اونٹنی نکل آئی تو انہوں نے انکار کر دیا، تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہاذ ہی ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی ناقہ ہے، اللہ کی اونٹنی، اور یہ نہ صرف اونٹنی ہے بلکہ لکم آیتن، یہ تمہارے لیے آیت ہے، نشانی ہے، اللہ، اور اگر تم نے اب اس کو بری نیت سے ولا تمسوہا بسوئن، اگر تم نے اسی کو چھوا بھی، ایون اف یو گو نیئر ٹو دیٹ، اور اگر ٹچ بھی کیا تو اللہ فرماتا ہے فیاخذکم عذاب قریب، کہ تمہیں اللہ کا عذاب پکڑ لے گا۔ اور اس میں دیکھیں اللہ نے قرآن کریم میں کبھی عذاب علیم کا ذکر کیا، کبھی عذاب جو ہے وہ عظیم کا ذکر کیا، کبھی عذاب غلیظ کا ذکر کیا، مگر یہاں فرمایا عذاب قریب، مطلب یہ کہ یہ بہت جلد تمہیں پکڑ لے گا اگر تم نے اللہ کی آیات کا جو احترام نہ کیا۔ تو میں یہ ذاتی طور پہ سمجھ، اس میں پرسنل اوپینین کہ اس وقت جو ہمارے ملک میں مسلم امہ کے ساتھ ہو رہا ہے ہم نے اللہ کی آیات کا احترام کرنا چھوڑ دیا ہے، اور یہ عذاب قریب ہم پہ مسلط ہے، یہ قتل و غارت عذاب آیا ہوا ہے، عذاب، یہ دہشت گردی، یہ بے وقت بارشوں کا ہونا، یہ فصلوں کا تباہ ہونا اور ہمارا لوٹ مار کرنا، یہ ہم پہ اللہ کا عذاب ہے اگر ہم سمجھیں تو۔ وسیم، پانی صاف نہیں مل رہا، صاف نہیں مل رہا، جو بنیادی ضرورت ہے بالکل ایسے، اور حکومتیں اپنا مال سمیٹ رہی ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ ایکچولی وہ جو ان کی ترجیحات میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ٹھیک، ان کی ترجیحات سب سے پہلے یہ ہونی چاہیے کہ ایز اے پاکستان، ایز اے اسٹیٹ، ہمیں سب سے پہلے اسٹیٹ کے جو اس کے جو چیزیں ہیں سب سے اہم چیزیں، ان بنیادی چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے۔ ان بنیادی چیزوں میں ہماری قرارداد مقاصد ہمیں قرآن و سنت کا بتاتی ہے، اور قرآن کی حفاظت ہی نہ ہو، قرآن کی حفاظت نہیں ہوگی تو وہ میری حفاظت کیا کرے گا، میرے رائٹس کا کیا دیکھے گا، میرے آلویز گونا ٹاک دیٹ فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے، فریڈم آف لبرٹی، فریڈم آف لائف ہونی چاہیے، بلکہ آپ کی سب سے پہلے اس لائف سے بحثیت مسلمان، اس زندگی سے زیادہ ہمارے لیے قرآن عزیز ہے، اور اگر ہم قرآن کے لیے حفاظت کریں تو میری زندگی کا مقصد کیا ہے پھر؟ تو پھر یہ پٹاخے جو ہیں اس پہ قانونی بھی گرفت، دیکھیں اس پہ یہ ہے کہ ہمارا پاکستان میں پاکستان پینل کوڈ میں تعزیرات پاکستان کی 295B سیکشن اس پہ کیٹاگوریکلی اس کو کہتا ہے کہ اگر کس نے نہ صرف قرآن کریم بلکہ کسی بھی مقدس کتاب کی اگر کسی نے توہین کی، اس کو ڈس ریسپیکٹ کیا، اور اس کے لیے لائف امپریزنمنٹ ہے، اور بعض اوقات اس کو سزائے موت میں بھی کنورٹ کیا جا سکتا ہے، اس پہ بھی بہت سی ججمنٹس ہیں، تو یہ ان کے لیے عمر قید ہے، مگر بدقسمتی سے انہوں نے ہمارے ایمان کو قید کر رکھا ہے۔ انہوں نے اس بات کو، اب ہمارے بات کریں، چھوٹی سی بات کریں تو یہ سارے بھڑک ہوتے ہیں، یہ آئین کی پاسداری کر رہی ہے، یہ پاناما لیکس پہ آئین کی پاسداریاں ہو رہی ہیں، قانون کی پاسداری ہو رہی ہے، مگر ویئر از دا لا؟ کہ اگر ہمارے سب 18 کروڑ پاکستانیوں کے ایمان کی حفاظت نہیں ہو رہی تو یہ کس کی حفاظت کریں گے؟ سب کو جیل میں ڈال دینا چاہیے۔ یہ جو بعض لوگ قرآن شریف ہم نے دیکھا جاتے ہیں ملک سے باہر تو باجو کو پاؤں پہ رکھا ہوتا ہے، میں اٹس ویری انفارچونیٹ ود دس امہ کہ میں جب بڑا دکھ ہوتا ہے نا، بڑا دکھ ہوتا ہے، میں جب حج پہ گیا تھا تو نعوذ باللہ میں نے دیکھا حرم شریف کے اندر وہ لوگ ایسے قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز شروع اسی پاؤں میں رکھا اور نماز شروع کر دی، سونے لگے تو سرانے میں رکھا، اور لوگ کہتے ہیں جی یہ دل میں احترام ہونا چاہیے، بھائی تمہارے محبت کے جو نظارے ہم بازاروں میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ دل کی باتیں تم اس کا اظہار کرتے ہو، اور جب مذہب کی بات آتی ہے، دین کی بات آتی ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور قرآن سنت کی بات آتی ہے تو وہ تو اس کا اظہار کرنا نہیں چاہتے، وہ دل میں ہی ساری ادب رکھ لیتے ہو، اس ادب کا عملی اظہار ہونا چاہیے۔ یہ جو قرآن کی میں سمجھتا ہوں اس کو بالخصوص پاکستان کو ایک ہائی پروفائل علماء کا ڈیلیگیٹ جو تمام سکول آف تھاٹ پہ مشتمل ہو ان کو سعودی حکومت کو بھیجنا چاہیے کہ یہ لوگ جب ہم جاتے ہیں تو کروڑوں لوگ وہاں پہ جا کے دکھ اور اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، لیکن ہم وہاں پہ بول نہیں سکتے، اگر کریں گے تو پھر عجیب سے ایک منظر بنے گا۔ مفتی صاحب، کیا اقدامات آپ کے خیال میں ہونے چاہیے؟
قرآن مجید جو صورتحال ہے تو بڑی انفارچونیٹ. بالکل یقینی طور پر یہاں چونکہ ابھی جیسے انہوں نے بتایا کہ باقاعدہ ہمارے آئین کے اندر ہمارے قانون کے اندر یہ کلاس موجود ہے کہ قرآن مجید کی تعظیم اور دیگر جو کتب ہیں مقدسہ ان کی تعظیم کے حوالے سے جو انتظامات کرائے جائیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حکومت وقت ہیں, جو ذمہ داران ہیں, جن کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہیں, وہ اس طرح کے جو قوانین ہیں ان کی پاسداری کرائیں اور ان قوانین کو جو ہے معاشرے کے اندر حقیقی طور پر نافذ کریں. لوگوں کو بھی کیسے ہم سمجھائیں؟ ایک تو ہے قانونی پہلو, وہ وسیم صاحب نے فرما دیا, اب لوگوں کو ہم کیسے لوگوں کے حوالے سے دیکھیں. قرآن مجید فرقان حمید کی آیات, ایک سورۃ المائدہ کی آیت مجھے یاد آئی جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ, کہ اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں اور شعائر کی بے حرمتی مت کرو. اس طرح کی آیات کی روشنی میں لوگوں کی جو ہے تربیت کی جائے, ان کو ایجوکیٹ کیا جائے. اور ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ڈالی گئی ہے کہ قرآن مجید جو ہے چونکہ اللہ نے قرآن کو نام لے کر شاعر اللہ میں یا جو ہے شمار نہیں کرایا تو یہ شاعر اللہ میں نہیں ہے. لیکن میں نے مطالعہ کیا حجت اللہ البالغہ جو کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے کتاب ہے, اس میں آپ نے ان تمام چیزوں کو شمار کرایا ہے, اس کی فہرست بیان کی ہے کہ جو شاعر اللہ میں ہے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے. قرآن مجید کی عظمت کا تو اس قدر لوگ ہمارے اکابرین خیال کیا کرتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں نے پڑھا کہ انہوں نے قرآن مجید کے چھوٹے نسخے تیار کرنے سے بھی منع کیا کہ کہیں لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت کم نہ ہو جائے. ہاں یعنی جیسا کہ ابھی آپ نے جو وہ اتنا سا قرآن ڈال لیتے ہیں یہ تو پھر غلط ہے. جی ان کا یہ ہے کہ اس قدر وہ احتیاط اور اس کی عظمت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ چھوٹے نسخے تیار کرنے سے بھی کہا گیا کہ اسے اجتناب کیا جائے تاکہ قرآن کی جو عظمت ہے ایک جو اس کے بڑے پن کے اندر ہے وہ چھوٹے پن میں وہ عظمت نظر نہیں آتی. اپنا علامہ صاحب یہ بڑی زبردست بات انہوں نے کی ہے, وہ جو تعویذ بنا ہوتا ہے پڑھا بھی نہیں جاتا, وہ مہذب عدسے سے بھی نہیں نظر آتا, تو یہ چھاپا ہوتا ہے گڈی کاغذ کے اوپر, تو یہ تو پھر گناہ ہے. سر یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے قرآن پاک کی طرف پاؤں کرنا, اور یہ بھی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ حرام ہے. اللہ قرآن پاک کی طرف پاؤں کرنا یا اس کو زمین کے اوپر رکھنا یا اس سے ٹیک لگانا یہ حرام ہے. اللہ اور لفظ حرام جو ہے یہ فقہا کے ہاں بہت سخت لفظ ہے. مفتی صاحب اور پھر علامہ صاحب مجھے یاد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے, اگر وہ آپ کے ذہن میں ہو جی جی, کہ جی فیصلہ کر دیں زنا ہمارے ایک آدمی نے کیا جی ہے اس کا فیصلہ اس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسند پہ بیٹھ گئے اونچی جگہ پہ اور آپ نے کہا کہ فیصلہ کرتے ہیں اپنی کتاب لاؤ, تو جب تورات آئی تو آپ نیچے اتر کے بیٹھ گئے اور اس مسند اونچی جگہ پہ تورات کو رکھا یہ ساری. اور پھر امام نووی جیسے محدث نے لکھا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اگر نظر آ جائے تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا مستحب ہے. اچھا اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, بلکہ سر میں نے تاریخ میں ایک واقعہ پڑھا, یہ جو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہمارے اوپر یہ آفات ہیں اللہ کی طرف سے یہ گرفت ہے, یہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے قرآن پاک کے ذریعے قوموں کو عزت عطا فرمائے گا اور اس کے ذریعے بہت سارے لوگ رسوا ہوں گے. اللہ تو یہ عزت کن کو ملے گی؟ جو قرآن کا احترام کریں گے. اور میں نے تاریخ میں واقعہ پڑھا کہ سلطنت عثمانیہ کا جو بانی ہے سلطان محمد عثمان, یہ کسان کا بیٹا تھا. اچھا اور یہ تلاش معاش میں نکلا تو یہ کسی جگہ گیا اور یہاں اس کو کوئی کسی نے ٹھہرایا اپنے ہاں, تو یہ لیٹا ہوا تھا تو رات کو کچھ تھکا ہوا تھا, لیٹ گیا سو گیا, کچھ وقت گزرا اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ جس طرف اس کے پاؤں ہیں وہاں تاکچے میں قرآن پاک پڑا ہوا ہے. لاعلمی کے عالم میں ہوا تھا یہ. یہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور باقی آدھی رات اس نے قرآن پاک کی اس بے حرمتی پر جو لاعلمی میں ہوئی تھی یہ اللہ سے توبہ کرتے ہوئے اور معافی کرتے ہوئے گزاری. تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی سلطنت کا بانی بنا دیا. تو یہ باتیں ہمارے لیے غور و فکر والی ہیں کہ قرآن جو ہے اس کی تعظیم کرنا اور احترام کرنا ہماری ساری ترقی اور کامیابی اس کے ساتھ مشروط ہے. اللہ اور یہ چیزیں اقدامات کے حوالے سے جو ہم ابھی بات کر رہے تھے, تو میری اس میں تجویز یہ ہے کہ ان چیزوں کو باقاعدہ سلیبس کا حصہ بنایا جائے, نصاب کا حصہ بنایا جائے, تاکہ یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ یہ صرف پٹاخوں کی حد تک معاملہ نہیں ہے, ایک بہت بڑے اہم
हसास मसले की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ चादरें छपती हैं, ये चादरें जो हैं बिकती हैं बाजारों के अंदर मज़ारात पर डालने के लिए, उनके ऊपर कुरानी आयात प्रिंट होती हैं और वो नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। लोग फौरी तौर पर बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं वो जाके उसको फिर वो लपेट के वो उसके अंदर कभी वो तबरक लपेट लेते हैं, कभी उसके अंदर फूल लपेट लेते हैं, फिर उसको फेंक देते हैं, बाज़ दफ़ा कब्रिस्तान के अंदर उनकी बड़ी बेहुरमती होती है। तो इस पर बड़े सख्त अहकाम हैं हमारे उलमा के और ये बहुत बड़ी गुमराही है। तो इस चाहे ये यानी दानिस्ता तौर पर किया जा रहा है, मैं नहीं समझता क्योंकि मुसलमान दानिस्ता, ये नादानिस्ता चीज़ है, फहम नहीं है, फहम नहीं। लोगों ने बात भी नहीं की, आज बड़ा अच्छा किया आपने इस तरह तवज्जो दिलाई। तो ये भी चादरें जो हैं इन पे ये जो बिल्कुल कुरान कुरान हकीम के आयात आयतुल कुर्सी बंद, इसको सख्ती से कानून बनाया जाना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें जिसमें ये तो हमें नजर आ रहा है ना कि इस वजह से बेहुरमती होती है, ठीक उसके ऊपर चारों कुर्सी। मुझे अलावा साहब ब्रेक लेनी है, नाज़रीन इकराम मुख्तसर सी ब्रेक और हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद आएंगे और इसके और जो अहम पहलू हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन जी, एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी कौन साहब है? राशन मोहम्मद आमिर लाहौर से अर्ज कर। जी आमिर साहब फरमाएं। साहब अर्ज यूँ है कि जो जो हमारे कुरान मजीद शरीफ है, पहले तो इनका ना हमें देखना चाहिए कि ये कितनी तादाद में छप रहा है। मिसाल के आप अगर इसको आप खरीद में चलेंगे बाजार में 75 रुपए से लेकर ठीक है 5000 रुपए तक, इसको इसकी इज्जत को महफूज करने के लिए कि मेरे दिल में ये भी तरीका है कि इसके जो अपना छुपाई है ना वो कीमती से कीमती सफे पर होनी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो खरीदे उसको कदर भी होगा मैंने क्या चीज खरीदी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ये पूछते हैं सैयद वसीमुल हसन से। जी एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम गाजी साहब, बहुत अच्छा मौजू लेके आए आप, अल्लाह ताला जाए खैर दे आप लोगों सबको। एक मैंने ये पूछना था कि जैसे आप कब्रिस्तान में जाते हैं वहां पे कतबे पूरी पूरी आयात हर चीज लिखी होती है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं तो इस्लामाबाद जाता हूँ उधर मैं देखता हूँ इतने हालत उनकी मखदूश हुई ना की कोई सफाई, उससे आप लोग क्या कहेंगे? वो भी मुफ्ती साहब ये आपके लिए होगा सवाल जब मैं आपकी तरफ आऊंगा। जी वसीम साहब अदब। जी मैं इसमें अर्ज करता हूँ कि कुरान करीम का अदब इतना ज्यादा है कि खुद नाकल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और ये कुरान करीम तो अल्लाह का कलाम है। इवन कुरान करीम में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से आता है तो अल्लाह पाक फरमाया फाखला नालाई का इन्ना कबिल वादिल मुकद्दस तवा, कि तुम अपनी नालाइन को उतार दो, ये वादी मुकद्दस है। अब मूसा अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह के पैगम्बर है और हमारे नजदीक उनके नालाइन भी मुकद्दस हैं, मगर अल्लाह ने फरमाया कि ये तुम जिसमें दाखिल हो रहे ये वादी मुकद्दस है, उसमें अल्लाह का कलाम नाजल हुआ, वहां पे अंबिया के मिजारात हैं, वहां पे औलिया के मिजारात हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए अपने बंदों तक ये पैगाम पहुंचाया कि जहां निस्बते खुदा हो, अल्लाह के बरगजीदा बंदों के मिजारात हों, जहां पे अल्लाह का कुरान नाजल होता, अल्लाह का कलाम नाजल होता, वहां का एहतराम यह है कि ये हमारे जो बशरी तकाजों में से नालैन भी उतार डालो उस मकाम पे दाखिल होने के लिए। तो ये हमें कुरान करीम बताता है। इसी तरह बल्कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप लेक्चर दे रहे हैं और लेक्चर देने के बाद आपने नमाज शुरू की, फर्ज अदा कर ली, ये नफल नमाज पढ़ रहे हैं, और नफल के बाद आपने अपनी कमीज उठाई और एक शख्स से कहा कि जरा देखो, उसने कहा जनाब आपको तो किसी भीड़ ने काट लिया है, और उसने गिना 17 से 18 मरतबा उसने काटा था, आपने एक दफा हरकत भी नहीं की। उन्होंने कहा जनाब आप नफल पढ़ रहे थे और आपकी जान को भी खतरा हो, आप तोड़ते। फरमाया तुम्हें पता नहीं मैं अल्लाह का कुरान तिलावत कर रहा था। अल्लाह ये खुदा ये उसके एहतराम के अंदर है। तो हमें ये जो कागज पे वो कह रहे 75 रुपए का 50 रुपए का, जाती तौर पे ये समझता हूँ कि कुरान करीम के छपाई को बिजनेस नहीं होना चाहिए, ये रियासत की जिम्मेदारी होनी चाहिए। वाह वाह, रियासत इसको खुद मसाजद और मुसलमान जो है उसको पढ़ाने और उनके एहतमाम करे। ये इसको अगर तुम खुदा के कलाम को कारोबार बनाना में यही बहुत बड़ा हमारे लिए जो है वो तो कमाल की बात की आपने वसीम। ये इसके लिए पूरी ये बिजनेस बंद होना चाहिए, बिजनेस ही बंद होना चाहिए और स्टेट लेवल पे बेहतरीन कागज पे छपे। मैं पाकिस्तान की अगर तारीख को देखूं यहाँ पे इतने करप्ट लोग हैं जो कुरान के नाम पे बोर्ड बना के खा रहे हैं,
یہ قرآن کریم کو بیچ رہے ہیں. یہ میرے علم میں ہے کہ لوگ جاتے ہیں, وہ کمپنیز آتی ہیں, ان کو گاڑیاں, ان کو تحفہ تحائف دیتی ہیں, اور وہ قرآن کو اس طرح بیچتے ہیں. قرآن کہتا ہے نہیں تو سمن قلیلہ, ہلکے داموں نہ بیچو. یہ لوگ بیچ رہے ہیں قرآن کو. اور ایسے ایسے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بدقسمتی سے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو داڑھیاں اور دستار والے ہیں, اور اس کے اندر دیکھیں ٹائی لگانے والے کو تو پتہ ہی نہیں ہے. میں مجھے اتفاق سے ایک جگہ جانا پڑا, تو میں ایک دوست سے کہا, میں نے کہا کہاں جا رہے ہو, مذاق سے میں نے کہا جی میں دین دینے جا رہا ہوں, اسپیچ پہ جا رہا تھا. کہتے ہیں جی تم تو کتنے دیکھو, تم سے بہتر وہ ہیں جو تم تو دین دے کے پیسے لے رہے ہو, اور وہ تمہیں پیسے دے کے دین لے رہے ہیں. ایسے بدقسمت لوگ ہیں جو لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں اور قرآن جو ہے نا وہ چھاپتے ہیں, اور یہ پیسے لے کے قرآن کو بیچتے ہیں. یہ پاکستان کے لیے المیہ ہے, اسلامی ملک کے لیے المیہ ہے. میں غازی صاحب اس میں دیکھیں وہ بائبل پیپر پہ چھاپتے ہیں, بائبل پیپر, اور میں نے کئی بائبل کا بزنس نہیں دیکھا, کتنا زبردست ہے کہیں. میں نے پوری دنیا میں دی ورلڈ اوور, بلکہ وہ فری آ کے ہمیں دیتے ہیں. میں لندن میں رہا ہوں, وہ ہمیں ایک نہیں, ہر روز دروازہ دستک ہوتی تھی, اور باہر ان کے مشنریز کھڑے ہوتے تھے, آ کے بائبل ہمیں پڑھنے کے لیے دیتے. کتنا کاغذ آلہ ہے, کتنا کاغذ آلہ ہے, کتنی ان کی چھپائی آلہ ہے, ان کے پرنٹنگ پریس, ان کے جو ہے وہ وہاں سے جو ان کے اپنے ذاتی پرنٹنگ پریس ہے, اس کو بزنس نہیں بناتے ہیں. ہمارے یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ہر بھائی بیچو, ضرور بیچو, مگر خدا کے لیے, خدا کے نام کو تو نہ بیچو یار. سب کچھ کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام غازی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے میری بہن. غازی صاحب آپ کے مہمانوں پر بھی سلام. جی بہت شکریہ. جی غازی صاحب آپ نے آج بہت دکھتا ہوا پہلو رکھا ہوا ہے, اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز بے حد عام ہے, اور عام عوام جو ہے بلکہ خواص بھی اس چیز سے بالکل بے بہرا ہیں کہ قرآن پاک ادب اور لحاظ کس طریقے کار سے کرنا چاہیے. تو میرا سوال آج یہ ہے آپ کے مہمانوں سے بھی اور آپ سے بھی کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن پاک کے جو ناقص پیپر کی وجہ سے جو چھوٹے چھوٹے پرزہ جات یا ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے گھروں میں بھی موجود ہے, ہم ان کو کس طریقے کار سے کیا کریں, اس کی حفاظت کس طریقے سے کریں اور کیا کریں؟ بہت شکریہ مفتی صاحب سے پوچھ. جی مفتی صاحب اب سارے سوال آپ کے لیے جمع ہو گئے. اس حوالے سے ہمارے جو فقہا نے جو ہے ہمیں بتایا ہے, فتاوی عالمگیری جو کہ فتاوی جات کی جو بڑی معروف و مشہور کتاب ہے, اس میں صاحب فتاوی نے قرآن مجید کے ان اوراق اور دیگر جو مقدس جی اوراق مقدسہ ہیں ان کے بارے میں انہوں نے تحریر فرمایا ہے فتویٰ, اور امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے فتوے کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے. اس میں سب سے بہترین جو طریقہ بتایا گیا قرآن مجید کے جو اوراق ہیں جو بوسیدہ ہو جاتے ہیں یا پھٹ جاتے ہیں ان کو تلف کرنے کے حوالے سے, کہ ان کو دفن کر دیا جائے کسی ایسی جگہ میں کہ جہاں پر بے ادبی کا شائبہ تک موجود نہ ہو. جیسا کہ ابھی ایک کالر نے بھی کہا کہ اگرچہ یہ ہو رہا ہے لیکن یہاں پر احتیاط نہیں کی جاتی, لہٰذا اگر دفن کیا جاتا ہے تو دفن کرنے میں اس قدر احتیاط کے پہلو کو مد نظر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ قرآن مجید کے اوراق کو دفن کرنے کے بعد ڈائریکٹلی ان پر مٹی نہ ڈالی جائے بلکہ لحد بنایا جائے, اور لحد کے اندر بھی احتیاط مزید جو ہے کی گئی کہ وہ سیدھا جو کرنے کی بجائے بلکہ اس کو بغل کی طرف جو ہے کیا جائے تاکہ کسی بھی صورت میں مٹی وغیرہ اس میں لگنے سے جو ہے اس کی بے ادبی نہ ہو. لہٰذا اگر کسی نے دفن ہی کرنا ہے تو کسی ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ جہاں پر اوراق جو ہیں بے ادبی سے بچ سکیں. دوسری صورت سائیکلنگ کا بھی کوئی طریقہ, لیکن پہلے میں اس طرح بھی آتا ہوں آپ کی اجازت سے, یہ بات آپ کی جاری رہے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی جناب صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. کون صاحب؟ جی واجد اللہ بول رہا. جی جی فرمائیں سوال. سوال جی تو یہ تھا کہ نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ جو حکمران ہے نا جی وہ اگلا الیکشن سوچتا ہے, اور لیڈر جو ہوتا ہے وہ اگلی نسل کا سوچتا ہے. ہمارے جو حکمران ہیں ان کی سوچیں انفرادی ہیں, یہ کام چھوٹے چھوٹے انفرادی کام کرتے ہیں, اجتماعی سوچ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے اب ایک بن بن ٹو ٹو چلیے, پاکستان کے ہر بندے کو اس کا فائدہ ہے, ایک ایک بندے کو ہر گھر میں اس کا فائدہ ہے. صحیح بات. یہ تھی انفرادی اجتماعی کام کیا کس نے؟ ٹھیک ٹھیک ان کے یہ چھوٹے چھوٹے کام انفرادی. جی بالکل ٹھیک ہے, وہ اپنے خاندان کا بھی تو خیال کرنا ہوتا ہے نا, آپ بھولے آدمی ہیں. میں سر اس میں ایک ایڈ کروں گا, پچھلے دنوں دھرنے ہو رہے تھے, مجھے ابھی ذہن میں آ رہا تھا کہ سارے اس پارلیمنٹ کو بچانے کے لیے کھڑے تھے, اور ان کو یہ نہیں پتا کہ پارلیمنٹ قرآن و سنت کی وجہ سے بچی ہے. واہ ایک منٹ ایک کالر لے لیں. جی السلام علیکم. جی فرمائیے. جی واری آ رہی ہے میری, ایم ایس ایس کاشف بول رہا ہوں لاہور سے. جی جی کاشف صاحب فرمائیں سوال.
जी सवाल मैंने अर्ज किया है कि कुरान तो एक अजमत वाली चीज है, जो मीडिया अखबार छाप रहा है जुमे के, ये अस्सलाम वालेकुम गाजी साहब आपसे मुलाकात भी ड्यू है और आपने बहुत काम किया है इस तकलीफ को मिटाने के लिए शिया और सुन्नी की, अहले बैत वगैरह की आपने जो तारीफें की और प्रोग्राम किए। आज का जो मौजू है उस मौजू से मुतल्लिक मेरी अर्ज ये है कि मोहतरम एक सोसाइटी बनाई जाए अखबारात के जो अंदर शाये किए जा रहे हैं कुरान पाक की अजमत वाली चीज है, इसके अंदर हलवा पूड़ी और दूसरी चीजें पैक की जा रही है, गली गली रुल रहा है कागज, आप 100% सोसाइटी बनानी चाहिए इसके लिए। मुझे इत्तफाक है आपसे जी मुफ्ती, मैं अर्ज कर रहा था दूसरी सूरत जो बताई गई कि इन औराक़ मुकद्दसा को जमा करके इनको समंदर बुर्द कर दिया जाए या किसी ऐसी जगह समंदर के जहाँ दोबारा वापस आना उनके लिए मुमकिन ना हो, किसी वजनी चीज़ के साथ मिलाकर उनको जो है समंदर में या दरिया में या कहीं भी ऐसी जगहों में डाल दिया जाए। इससे रीसाइकिलिंग जब हो, रीसाइकिलिंग का कॉन्सेप्ट जो अभी आप यूँ कह लें कि आज के ज़माने में ये नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी भी दलील हमें मिलती है, वो ये है रीसाइकिलिंग से मुराद ये है कि अगर सफहात में जैसे पहले स्याही से जो कुरान मजीद के नुस्खे लिखे जाते थे तो उसमें फुकहा ने यह फरमाया है कि अगर उसके जो वो मिट जाए पानी बहाने की वजह से या किसी भी ऐसी जरिया से, तो बाद में उनको दोबारा से रिसाइकलिंग करके बेहतर यही है कि उसके उससे कुरान मजीद के दीगर नुस्खे जो हैं तैयार कर दिए जाए, उसको बजाय क्वालिटी इंप्रूव की जा सकती है, आला कागज उसको बनाया जाए, लेकिन पानी की गंदगी वाली जगह नहीं भेजना चाहिए, आप ठीक कह रहे हैं, पानी को उसका भी इतनी हिफाजत करनी है कि वो पानी भी गंदगी वाली जगह बिल्कुल ना जाए। तो हमारे तो यहाँ पे बदकिस्मी से जो पकौड़े और ये सारे किस तरह बिक रहे हैं इससे ज्यादा तो इनकी बात क्या है? इसमें इस बात का एहतियात जरूरी है कि जो लोग रिसाइकलिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व हों उनके लिए भी ये एहतियात जरूर है कि वो बावजू हों, ठीक है, और उसका जो पल्प है या जो गोदा है वो उसको जो है अगर फ़र्ज करें कि कुरान मजीद दोबारा से उससे नहीं तैयार किया जा रहा है तो फिर उसको ऐसी जगह आप नहीं फेंक सकते कि जहाँ पर पल्प में और आला किस्म की चीज़ें डाल के उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करके उसको दोबारा कुरान मजीद ऐसे केमिकल्स भी ना हो जो बदबू वाले हों, हाँ, पुराने क्रीम की तिलावत से पहले जुबान से मसवाक करना जो है इसीलिए है रिकमेंडेड है ताकि जुबान जो मुंह से बदबू है वो कुरान की तिलावत की वजह से। अच्छा मेरे दोस्त हैं इस्माइल सोरवर्दी फैसलाबाद, उन्होंने मुझे सूरह यासीन भेजी थी कुछ दर्जन के करीब, वो जब खोलते थे तो खुशबू आती थी, खुशबू आती थी, ये कोई नया तरीका आया, दोस्तों मेरे भी होने चाहिए। अच्छा हाँ उन्हीं मैं आपको पेश करूंगा, वो हर सफा खोले ना जी ऐसी आला खुशबू आती है कि दिमाग मुअत्तर हो जाता है। उसके उसके प्रिंटिंग में भी जो है वो केमिकल्स भी इस तरह हो जो बदबू वाले ना खुशबू वाले हो। वाह वाह। और आगे लेकिन आज जो आपने बात की है ना ये कमाल की बात है, मेरे जहन में कभी नहीं आई कि स्टेट जिम्मेदारी ले कुरान हकीम को छापे, बिल्कुल ऐसे ही, और जो बेस्ट कागज हो बाइबल से भी बढ़ के जो कागज हो क्रीम कलर पे छपा हुआ हो और मुफ्त सारे मुल्क को नहीं मुल्क से बैरून भी दिया जाए। और हमारे ये देखे ना सऊदीया के एक एग्जांपल हमारे सामने है, हाँ। कि सऊदी गवर्नमेंट जो है ना वो कुरान करीम उसका कागज भी अच्छा होता है उसकी, अगरचे हम उससे उसकी जो एग्जीजीसीज हैं उसकी इंटरप्रिटेशन पर डिफर कर सकते हैं, लेकिन हमारे कुरान करीम की टेक्स्ट जो है उस हवाले से तो हमारे पास एग्जांपल मौजूद है। एक कॉलर ले लें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं साजी बात कर रही हूँ तक से। जी जी फरमाइए। सर मैंने ये कहना था कि अगर उस कुरान पाक की जो क्या कहते हैं तल्फ करने का वो है उसको मतलब जो जाया हो जाते हैं कुरान औराक जब आंधी वगैरह होती है उड़ रहे होते हैं गिर जाते हैं घी के पैकेट्स के ऊपर लिखे हुए होते हैं, तो अगर हुकूमत इस बारे में कुछ नहीं करती तो हम इनफरादी तौर पर उस पर क्या कर सकते हैं? कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, 92 चैनल वाले भी, हमारे पास ऐसी जगह हैं जहां हम वो कुरान हकीम मुख्तलिफ जगह से कलेक्ट करके, तो फिर कुएं हैं जिनमें उनको रखा जाता है बड़े अदब के साथ। और तो हम अपने सीरिया में और यमन में यह है कि वो गारों में आज भी वो गारों में रख देते हैं, हाँ। उनके वो गारें जो उनके वहाँ पहाड़ी सिलसिले हैं वो आज उनको गारों में महफूज हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ भी बहुत हमारे यहाँ कुछ तंजीमें हैं जो बलोचिस्तान के अंदर वो ले जाती हैं नुस्खे और वहाँ वो गारों के अंदर वो उसको बरकत दानी कुरान महल बनाए हुए हैं जहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल बरकत साहब ने ऐसा किया हुआ है। तो मैं मतलब मैं अर्ज कर रहा था वो पार्लियामेंट की कि वहां पे वो कह रहे थे जी मुकद्दस है, और मैं सोच रहा था कि पार्लियामेंट को बचाने एक इंसान की जो हुरमत है वो काबे की हुरमत से ज्यादा है,
एक मोमिन की, और ये कितने बदकिस्मत लोग हैं जो काबे और मोमिन की उर्मत का ख्याल नहीं करते पार्लियामेंट की, और एक कुरान की हिफाजत के लिए लाखों मोमिनों की जाने कुर्बान, सुभान अल्लाह। लेकिन हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं, जब टेरी जोन्स ने किया लोग निकले नहीं जाने कुर्बान की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए लोग जाने कुर्बान करते। मगर माले पॉलिटिशियन जो है वो असेंबली में बैठ के कहते हैं जी ये हिफाजत आयन बनाएंगे, आयन बचाएंगे। भाई आयन है क्या? आयन कुरान और सुन्नत के ताबे है। कुरान की हिफाजत होगी तो आयन की हिफाजत होगी, कुरान की हिफाजत होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत होगी तो पाकिस्तान की हिफाजत, पाकिस्तान कायम उस वक्त तक रहेगा जब तक इस ममलकत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत होगी। खुदा ने खास्ता अगर उस तरफ कोई हरफ आए ये मुल्क बच सकता हो ही नहीं सकता, ये बच नहीं सकता, ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, बस में हस्ती भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, ये तो सारी कायनात आका अलैहिस्सलाम के नामूस और नाम की वजह से कायम है, वरना दुनिया कायम ही नहीं रह सकती। अलामा साहब सवाल का वक्त हो गया, हम अपने नाजरीन से हर रोज़ एक सवाल पूछते हैं जो सही जवाब दे उनको किसान आयल की जानिब से गिफ्ट पेश करते हैं। नाजरीन के हम आज का सवाल है, कुरान मजीद की आयात की कुल तादाद कितनी है? और जो कल हमने सवाल आपसे पूछा था, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम कुल 7 साल हुकूमत करेंगे, और जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिया था खुशनसीब का नाम है उमैर अली, डेरा इस्माइल खान से इनका ताल्लुक है। उमैर साहब आपका गिफ्ट आपके घर पर पहुँचा दिया जाएगा। जी अलामा साहब आप कुछ फरमाने लगे। बानी पाकिस्तान हज़रत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक बड़ा अहम वाक़या है जी, अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने उनको तोहफ़ा भेजा कुरान पाक का, और उसमें एक जाय नमाज भी साथ भेजा, एक तस्बीह भी भेजी। तो वो फिर उन्होंने जो कायदे आज़म ने जो जवाब भेजा कि मुझे आपने ये मैसेज दिया है कि कुरान को दस्तूर बनाओ अपना, और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह तो जाहिर बात है कि उन्होंने इसी को, आप तो जी हम कायदे आज़म को कायदे आज़म नहीं जना साहब कहेंगे, कायदे आज़म के खिलाफ भी हम काम करेंगे, और इकबाल को तो बिल्कुल हम फारिग करेंगे, क्योंकि वो इश्क़े रसूल का पैगाम देता था कि वो कुरान पाक को किस तरह उन्होंने अपनी शायरी का एक हिस्सा मुअज्जज से ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिक़े कुरान, इससे बड़ी बात और क्या है। तो ये जिंदा कौमें होती हैं जो इन चीज़ों को समझती हैं और फिर उनको वो अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाती हैं। अच्छा अलामा साहब ये बता दें, अदब करने से क्या हासिल होता है? ये सवाल पैदा होता है क्योंकि ये ज़रा शायद हुक्मरानों को कुछ फ़ायदा हो जाए कि इससे असल में जो जो शऊर रखने वाले लोग हैं वो बड़ा मारूफ है, अदब गाहेस ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तरस, नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बाई दी दींजा। तो जो लोग समझने वाले थे, क्योंकि अदब जो है ये मैं आपको एक ये जो हारून रशीद थे खलीफा हारून रशीद, मैं उनका वाक्य सुनाना चाहता हूँ कि वो जब उनको उस्ताद की तरबियत में दिया गया तो एक मरतबा वो उनके वालिदे गिरामी चले गए कि ज़रा चेक करें कि उस्ताद कैसे तरबियत कर रहे हैं, तो वो उस्ताद का वज़ू करा रहे थे, और वो उस्ताद जो थे वो उनके वो मतलब वो पानी डाल रहे थे उनके पाँव के ऊपर, और तो वो वापस आ गए और उन्होंने फिर उस्ताद को तन्हाई में बुलाया और उन्होंने पूछा कि आप मेरे बेटे की तरबियत अच्छी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी वो कैसे? उन्होंने कहा कि वो पानी डाल रहा था और आप अपने हाथों से पाँव मल रहे थे, तरबियत का तकाजा ये था कि एक हाथ से पानी डालता और एक हाथ से आपके पाँव मलता। बिशर हाफी का वाकया एक वाकया है, ये तो बिल्कुल कुरान मजीद से ही मुताल्लिक ये वाकया है। हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह जो अपने ज़माने के बड़े जलील क़द्र हाजिर हो क्या है, माशाल्लाह, तो इनके हवाले से आता है कि तौबा करने से पहले इनकी ज़िंदगी के हालात या जो मामला था नहीं थे, शराब नोशी किया करते थे, बल्कि जिस दिन ये वाकया रूनमा हुआ उस दिन भी शराब के नशे में मस्त थे कि उन्होंने देखा कि किसी पर्ची में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई है, तो उन्होंने उसको उठाया इंतहाई अदब के साथ बोसा लिया और महफूज जगह में उसको रख दिया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उनकी ये अदा और उनका ये अमल इस कदर पसंद आया जो कि कुरान मजीद के अदब के हवाले से कि आपको विलायत के दर्जे पर फाइज कर दिया गया। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत सारे मामलात में आपकी तरफ रुजू फरमाते थे, और एक रिवायत में यह भी आता है कि अपने ज़माने के फ़कीह इमाम अहमद बिन हम्बल के दरबार में औलिया कराम की जमात के लोगों को उन्होंने मुंतखब किया हुआ था अपनी मजलिस में बैठने के लिए, उनमें हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह भी थे। सुभान अल्लाह, दाता साहब ने उनकी इतनी तारीफ की, कश्फुल महजूब के अंदर भी इनका तज़किरा है। ये बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का ये जो वाकया है इसमें एक और तफसील भी हमें किताबों में मिलती है कि जब वो उन्होंने वो कुरान पाक का वो वर्क उठाया और फिर उन्होंने दाएँ बाएँ तलाश किया
कि कौन सी जगह महफूज हो सकती है। अभी हमारी वो बहन भी कह रही थी ना कि वो आंधी में और आग उड़ रहे होते हैं, तो उन्होंने महसूस किया कि, और ये इमाम सियूती ने ये नुक्ता भी लिखा है, ये अच्छा, पॉइंट आउट किया है, अच्छा, कि अगर आप उसको कहीं हिफाजत से रखना चाहते हैं तो ये भी एहतमाम करें कि वो हिफाजत मुस्तकिल बुनियादों पर हो। ये ना हो कि वहाँ से वो निकल के कहीं गिर जाए और फिर दोबारा उसकी बेहुरमती हो। तो बिशर आफी रहमतुल्लाह अलैह को कोई महफूज जगह नहीं नजर आई तो उन्होंने उसको निगल लिया, उन्होंने उसको निगल लिया सुभान कि ये मैं जो है ना इसकी ये हिफाजत का मैं इसी वक्त ये बेहतर तरीका समझता हूँ। तो अल्लाह ताला ने उनके निगलने से वो जो अंदर का सारा उनका मामला था उसको पाक कर दिया। और अच्छा जी, हदीस पाक में भी आया है अपना वसीम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबातुल्लाह में दाखिल हुए फतह मक्का के वक्त, तो वहाँ एक तस्वीर किस्म की बनी थी जो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मंसूब थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जो साफ़ किया तो वो खुशबू, वो कौन सी है जी दाता साहब जो यूज़ करते हैं आप जिस दिन उर्स मुबारक होता है, वो उस तरह का बुरादा जो था उससे उसको संदल, साफ संदल का संदल था कि और चीज़ खुशबू मेरे जहन में इस वक्त नहीं है, वो कौन सी खुशबू की किस्म है जिसका पाउडर टाइप होता है, उससे वो साफ़ किया, यानी अदब और एहतराम का ये तस्वीर में क्या था, निशानियाँ थी उसमें, किताबें थीं, सहाइफ थे, अम्बिया की तस्वीर थीं, तो ताबूत सकीना के वसीले से अल्लाह फतह अता फरमाता था। इस पे मतलब ये कि इतनी ज्यादा है, लेकिन बदकिस्मती ये मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो देखे ना, जब कहीं किसी चोरी होती है तो सबसे पहले चौकीदार को पकड़ते हैं, भाई तुम पहले बताओ। मैं ये इस वक्त जो नऊज बिल्ला पाकिस्तान में कुरान के और कुरान बोर्ड के और इस इदारों के बने हुए ना ठेकेदार, उनको सबसे पहले पकड़ लेना चाहिए कि बताओ भाई इसके जिम्मेदार तुम हो। बिल्कुल ये इन पे 295B का पर्चा होना चाहिए ताकि इनको पता चले। ये महज तनकीद के अलावा भी ये ईमानियात का बड़ा हसास मसला है, और अल्लाह की बारगाह में मैं समझता हूँ कि इस हवाले से बहुत बड़ी जवाबदेही है और हमें बरकतें मिलेंगी अगर हम बरकतें मिले ये अदब करेंगे तो इस मुल्क में मजमूई तौर पर बरकत होगी। अगर खुदा न खास्ता न करेंगे हम तो वसीम फिर अजाब आने अजाब आ चुका है सर, अब तो हमें तौबा की तरफ जाना है। अब हमें अजाब तो आ चुका, मतलब कौन सा अजाब जो इस वक्त नहीं है इस कौम मिजारात पे जाते हुए हमें पहले तलाशी देनी पड़ती है, मस्जिदों में जाते हुए तलाशी देनी पड़ती है, डर लगता है लोगों को कहीं भी तकरीब होती है। कौन सा ऐसा मैं समझता हूँ पिछली उम्मत पे जो अजाब इस वक्त नहीं आ रहा, जमीने धंस थी हम देख रहे हैं, जलजले पहले कई साल के बाद आता, अब तो हर महीने झटके लग रहे हैं, जो आजाद कश्मीर वाला था इस वक्त वो आ रहे हैं। इसमें मैं एक थोड़ा ये भी पॉइंट आउट करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अवाम के अंदर बहुत ज्यादा शऊर है, ऐसी अवाम और ऐसी उम्मत दुनिया में आई नहीं। आप देखें कि सऊदी अरब में वो सफाई करने के लिए हरमैन शरीफन में पाकिस्तान के लोगों का इंतखाब करते हैं। काश काश इस मुल्क को क़यादत वसीम अच्छी मिल जाए, कोई कारवां से इदारों को कोई भारत गुमा हरम से कि अमीर कारवां में नहीं हुए दिल नवाजी, क़यादत अच्छी मिल जाए ना जी। मैं बार बार ये दोहराता हूँ, इस कौम जैसी कौम नहीं, इस मिल्लत जैसी मिल्लत नहीं, इस उम्मत जैसी उम्मत नहीं, और कमाल के लोग हैं जी अगर उनकी सही राह मैं जाता हूँ। आप तो बहुत ज्यादा तकरीबात में जाते हैं, लोगों के जज्बे कमाल के, मोहब्बत रसूल कुरान करीम की मोहब्बत, लोग यकीन करें कुरान की समझ नहीं होती, लोग धाड़े मार के रो रहे होते हैं सर, और उसको चूमते हैं, चूम रहे होते हैं, ना काबिले बयान है। मैंने अगले दिन देखा 5 साल का बच्चा, मैंने देखा यकीन करें तिलावत हो रही थी, वो ऐसे रो रहा था जैसे पता नहीं इसको सारी कुरान की समझ आ रही है। और मैं उस बच्चे को देख के लोगों के दिलों में भी कुरान करीम की मोहब्बत ऐसी मौजजान हो रही थी कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया वसीम, हमारे प्रोग्राम का वक्त, अलामा साहब आपका भी शुक्रिया, मुफ्ती साहब आपका। नाज़रीन किराम, किताब शफा से नुस्खे का वक्त हो गया। वहम और वसवसों का इलाज, रोज़ाना सुबह और शाम 21 मरतबा अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल कय्यूम पढ़कर दोनों हाथों पर दम करें और हाथ चेहरे पर फेर लें और चलते फिरते बावजू हालत में कसरत से इसमें इलाही या हयो या कयूम का विर्द करें, इंशाअल्लाह ताला वहम और वसवसों की जो बीमारी है इससे निजात मिल जाएगी। कम से कम ये 1 माह अमल जो है इसको जारी रखें। अव्वल आखिर रोज़ 11 मरतबा दुरूद पाक, जो कोई भी दुरूद पाक आपको आता हो वो पढ़ें। सैयद अली मुर्तज़ा शेरे खरमला वजो फरमाते हैं, कुरान मजीद क़यामत के रोज़ अपने कारियों की सिफारिश करेगा और अल्लाह ताला उसकी सिफारिश को कबूल फरमाएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम हमें जौहरे ईमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफात से ला महदूद वफ़ादारी अता फरमाए। अल्लाह करीम हमें गैर मशरूत मोहब्बत और ला महदूद वफ़ादारी उस ज़ात पाक से जब अता फरमा देगा, हमारे बहुत सारे मसाइल हल होंगे। ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे
और हमें अल्लाह करीम अपना अदब, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, अम्बिया का अदब, अहले बैत अथार का अदब, सहाबा कराम का अदब, औलिया कराम का अदब, माँ बाप का अदब, मुआशरे में असातिज़ा का अदब, अपने बड़ों का अदब, अपने साथ वाले हमसायों का अदब, ये अदब ही अदब हर तरफ हो तो ये जो मुआशरा है ये गहवारा अमन और रहमत बन जाएगा और ऐसे लगेगा जैसे दुनिया में ही आपको जन्नत नसीब हो गई है। अल्लाह करीम आपका हामी व नासिर हो। कल सुबह आपसे मुलाकात होगी।